अभी अभी कक्षा 11वीं इतिहास का ये पेपर वायरल हो चुका है। जी हाँ, मात्र आधे घंटे का समय बचा हुआ है, इस आधे घंटे में आपको पूरा पेपर देख लेना है। ये भी बताया जाएगा इसकी सॉल्यूशन की पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड कर पाएंगे, इसलिए वीडियो अंत तक देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। मात्र आधे घंटे में आपको पूरा पेपर पढ़ लेना है। देखिएगा यहाँ पे पूर्णांक 80 रहेंगे, समय 3 घंटे का रहने वाला है, दिशा निर्देश आपके लिए देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 में सही विकल्प आपसे पूछे जाएंगे, 1-1 नंबर के साथ सही विकल्प रहने वाले हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 में रिक्त स्थान पूछे जाएंगे, ये भी 1-1 नंबर के यहाँ पे साथ रहेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 एक वाक्य एक शब्द रहेगा, 1-1 नंबर के यहाँ पे 6 पूछे जाएंगे। यहाँ पे देखिए एक मैंने दिखा दिया था, 5 और ये रहे, कुछ इस प्रकार से आपके यहाँ पे एक वाक्य एक शब्द में उत्तर रहेंगे। इसके बाद सही जोड़ियाँ आपसे पूछी जाएंगी, 1-1 नंबर की 6 सही जोड़ियाँ आपकी रहने वाली हैं। इसके बाद आपसे 70-70 पूछे जाएंगे, 1-1 नंबर के 6 70-70 यहाँ पे रहेंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 आपका स्टार्ट हो जाएगा, गिलमिस कौन था, स्टोपी कौन था, प्रश्न क्रमांक 7 कोपर क्या है, इसके बाद यात्रा से क्या आशा है, बाज नामक का क्या महत्व है, तुमन से क्या अभिप्राय है, होमो का अर्थ आपको समझाना है, आदि मानव के रहन सहन की जांच और इतिहासकार कैसे हैं, रोमन साम्राज्य में गणतंत्र से क्या अभिप्राय था। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे अब्बासी क्रांति को आपको समझाना है। यहाँ पे देखिए जीवाश्म से आप क्या समझते हैं, चंगेज खान की सैनिक व्यवस्था के 3 कारण आपको बताने हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में 4 अंतर आपको बताने हैं। यहाँ पे देखिएगा आप होमोनिस समूह की विशेषताएं आपको बतानी, कुछ इस प्रकार से पूरा आपका पेपर आने वाला है। मोटोपोसोमिया की विशेषताएं आपको बतानी है, आदिकाल में मानव के चलने से क्या लाभ हुआ। इसके अलावा मानचित्र आपके लिए आएगा, ताइवान वाला आएगा, जापान, रूस और अथवा में ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रकार से ये मानचित्र भी 4 अंक का आने वाला है, तो ये पूरा पेपर आप जल्दी से देख लीजिए। सो गाइस, सॉल्यूशन की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको सर्च करना होगा studynotespj.com। गूगल में जाकर के आप सर्च करेंगे studynotespj.com, कुछ इस प्रकार से आपको सर्च कर लेना है। देखिए कुछ इस प्रकार से रिजल्ट आएगा, नीचे आपको आना है, यहाँ पे देखिएगा आपको MP बोर्ड पे आपको कर देना है क्लिक। जैसे ही आप MP बोर्ड पे क्लिक करेंगे नीचे आएंगे, नीचे जैसे ही आएंगे आप देखिए सभी जो क्लासे हैं सभी के सॉल्यूशन डल चुके हैं। देखिए 9th, 10th, 11th, 12th, तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ 9th की पीडीएफ डाउनलोड करके। यहाँ पे आपको कर देना है क्लिक, फिर एक ऐड आ जाएगी, इसको आपको करना पड़ेगा इस प्रकार से क्लोज, फिर नीचे आना पड़ेगा। जैसे ही आप नीचे आएंगे ये पेपर दिया गया है कुछ इस प्रकार से, संपूर्ण पेपर भी आपको दिखाया गया है। फिर सबसे नीचे आप जाएंगे, देखिए कुछ इस प्रकार से आपको सबसे नीचे जाना है और यहाँ पे देख सकते हैं आप दिया गया है पेपर की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें। देखिए मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस प्रकार से आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको संपूर्ण पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ दिख जाएगी। देख लीजिए आप क्लास 9th की संपूर्ण पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ दी गई है।